तो मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं आर अग्रवाल मैथ्स और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशत। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब तक हम सभी एग्जाम्पल कर चुके हैं, इसके अलावा हम पार्ट तीन में यानी कि कल की वीडियो में जो है अब तक 25 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है और जो हमारी एक्सरसाइज है उसका 26वां सवाल है इसलिए, और यहाँ से आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों सवाल क्या है, 192 का 12.5%, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, का 50% क्या होगा, ये सारी चीज़ें बतानी है दोस्तों। मतलब कि यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा, और मान लेते हैं कि यहाँ पे x होगा और हमें इसी का जो मान है दोस्तों वो बताना है, ठीक है। तो किस तरीके से हम बताएंगे, कुछ चीज़ें आपने कल की वीडियो देखी होगी, जिस तरीके से हम कल कर रहे थे वैसे ही हम अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है, 192 है, और का की जहाँ क्या मतलब गुणा का। अब देखिए 12.5% है दोस्तों, तो जैसे कि हमें पता है कि प्रतिशत को हम बटे में क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से 100 लिख लिया। और दोस्तों अगर मैं चाहूँ ये पॉइंट हटाना तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगी और इस तरीके से 125/1000 हुआ। और दोस्तों इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं, ये x का मतलब गुणा 50 और प्रतिशत का मतलब दोस्तों बटे में, यहाँ पर भी हमने क्या लिखा, 100 लिखा। अब देखिए आपको पता है ही कि हमें x का मान बताना है और हमें एक तरीके से इसको सबको अकेला करना है। थोड़ी कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं जिससे थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, जैसे कि 125 से अगर हम काट दें तो 125 से कम 125 और 125 अठे दोस्तों 1000 होंगे, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा ऐसे करके काट लेते हैं, चलिए 25 × 125 और 25 × 100 40 कर लिया, और अब 5 × 5 5 × 8 40 इस तरीके से कर लिया। अब देखिए 8 से काट लेते हैं दोस्तों, 8 × 2 = 16 हुए और 8 × 4 = 32, तो फाइनली दोस्तों इधर बचा है 24, ठीक है। और इधर ये x है और 50 × 50 50 × 100, और दोस्तों यहाँ कितना बचा, ये बटे में 2 बचा हुआ है यानी कि x बटे 2। तो दोस्तों ये जो 2 है वो गुणा में आ जाएगा, तो 24 × 2 इस तरीके से x का मान कितना है, 24 × 48। तो इस सवाल का आंसर दोस्तों बड़ी सहजता से हमने प्राप्त किया, 48 आ गया इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा 27वां, यहाँ पर क्या लिखा है, 2/5 प्रतिशत और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि यहाँ पे जो भी है मैं उसका मान बताना है। तो दोस्तों केवल इसको सिंप्लीफाई करके हमारा मान आ जाएगा, और इसको किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करें उसके लिए हमने ऑप्शन लिख लिए हैं और हमें देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ की भिन्न के रूप में आंसर हमारा मौजूद है। तो इसी तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे। तो देखिए दोस्तों क्या है, 2/5 है, और जैसे कि हमें अब तक पता लग चुका है कि यहाँ जो प्रतिशत है इसको हम बटे में क्या लिखने वाले हैं, 100 लिखने वाले हैं, और यहाँ पर हमने इसको 100 लिखा। अब देखिए दोस्तों 2 × 2 और 2 से इसको काट लेते हैं, तो दोस्तों ये 50 बार कटा। अब बताइए ऊपर क्या बचा हुआ, 1, और नीचे 5 × 5 5 × 5 = 25, यानी कि दोस्तों 250। इस तरीके से ये क्या आया है, 1/250 आया है, जो कि कहाँ पे है, सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारे इस सवाल का आंसर क्या हुआ दोस्तों, सी, ठीक है। तो 1/250 उत्तर है इस सवाल का। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, क्या है हमारा सवाल, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, का 40% बराबर 12.8 और ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं। और दोस्तों जैसे कि हम अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे है ना कोई संख्या है जिसको हम फिलहाल x मानने वाले हैं और हमें इस x का मान यहाँ पे बताना है, और जैसे जैसे हमें पता है वैसे वैसे हम करेंगे। जैसे कि हमें पता है यहाँ x है और इसके बाद का है, तो हमने गुणा में बदला, दोस्तों यहाँ है 40%, तो 40 और प्रतिशत को बटे में क्या लिख लेंगे, हम 100 लिख लेंगे दोस्तों, और ये देखिए कितना है, 12.8। अब देखिए दोस्तों अगर पॉइंट हटा दें तो कितना यहाँ पे 10 आ जाएगा, या तो हम यहीं पे थोड़ा कैलकुलेशन कर लें, जैसे कि हम यहाँ 0 से 0 काट लें दोस्तों, और यहाँ पे हमें पता है ये 10 ऊपर गुणा में चले जाएगा और जिससे ये 0 कट जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों x गुणा 4 बचा हुआ है, अब यहाँ पे कितना बचा है, 128, तो जो गुणा में 4 है वो बटे में यहाँ भेज दीजिए, और अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, इस तरीके से x का मान कितना है दोस्तों, 32 आ गया है, ठीक। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, बी इस सवाल का जवाब हुआ। तो देखिए दोस्तों 29वां सवाल क्या है हमारा, 1674 का 218% बराबर x गुणा 1800, जो भी दोस्तों है ना, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, x लिखने वाले हैं, और इसी का मान हम जो है यहाँ पे प्राप्त करेंगे। अब बताइए दोस्तों यहाँ कितना है, 1674 × 218, और प्रतिशत जो है दोस्तों उसे क्या लिखेंगे हम बटे में 100, और क्योंकि हमें पता है कि x का मान बताना है, ये इसकी गुणा में दोस्तों, तो इसे भी बटे में ले आओ,
और यहाँ पे लिख लिया हमने इसको, और बराबर क्या बचा दोस्तों, x। इसको हल करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके जो ऑप्शन है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं 18 से काटते हैं, तो 18 एकम 18 यानी कि यहाँ 100 बच जाएगा दोस्तों। अब 18 निम्न में कितने दोस्तों, 162, और 18 3 54, तो 93, और दोस्तों ये 218 बटे में यहाँ 100 बचा हुआ है, यहाँ 100 बचा हुआ है। तो दोस्तों या तो हम इसे थोड़ा बहुत 2 से काट लें, या 93 218 की गुणा करके 1 2 3 4 0 है, 4 पे पॉइंट लगा दें। तो दोस्तों ये तो सुनिश्चित है, ना तो 4 आने वाला, ठीक है, और ना 5 आने वाला, ना 6, ठीक, क्योंकि अगर इनमें से कोई डिजिट होती तो यहीं पे काफ़ी हद तक ये सोल्व हो चुका होता और काफ़ी आसान हो चुकी होती कैलकुलेशन। लेकिन यहाँ पे इस तरह आसान नहीं है हमारी कैलकुलेशन, हमें गुणा करना पड़ेगा अभी, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ये तो हम आराम से कह सकते हैं। लेकिन एक्यूरेट क्या होगा उसके लिए हम के गुणा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं बॉक्स मेथड से। तो देखिए दोस्तों क्या है हमारा बॉक्स मेथड, समझते हैं ज़रा। इस मेथड से हम किसी भी नंबर की गुणा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें 218 की गुणा करनी है, और दोस्तों किसकी, 93 की गुणा करनी है, 93 की, ठीक है, इस तरीके से। अब किस तरीके से हम ये गुणा करें वो समझते हैं। तो देखिए दोस्तों एक एक स्टेप जो है ध्यान से समझना है। इस 9 की गुणा मैं 2 में भी करूँगा, 1 में भी, और 18 में भी, और यहाँ पे बॉक्स भरता जाऊँगा। जैसे दोस्तों 9 × 18, ठीक है, 9 × 18, तो 18 को मैंने 1 और 8 इस तरीके से लिखा। देखिए 9 की गुणा अगर 1 में करूँ तो 9 एकम 9, तो दोस्तों जैसे हम तारीख में लिख देते हैं ना 09 09 को इस तरीके से, तो वैसे ही लिखा हमने, 9 को हमने 09 लिखा, दो अंक लिखने थे तो यहाँ 0 लिख लिया 9। अब देखिए 9 8 72, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 72 हुआ। अब देखिए 3 × 6, अब यहाँ पे हमने इसे कैसे लिखा, 0 6 लिखा, 3 × 6। अब 3 की गुणा जैसे हमने 9 की करी सभी में, 1 1 में, ऐसे ही 3 की करेंगे अब सभी में, 3 की 2 में करी तो 0 6 लिखा हमने यहाँ पे, 3 एकम 3 को क्या लिखेंगे दोस्तों, अब तक समझ गए होंगे आप, 0 3 लिखेंगे, और 3 8 को क्या लिखेंगे दोस्तों, हम 24 लिखेंगे इस तरीके से। अब देखिए ना, तो इन नंबरों की कोई आवश्यकता है ना इन्हीं की, जो हमने ये भरे हैं, ठीक है दोस्तों, केवल इन्हीं को हमें जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4 है, यहाँ पे इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4 और 3 7 हुए, 9 और 7 16, 16 और 6 कितने हुए दोस्तों, 22 हुए, और 2 हासिल हैं, 8 और 2 हासिल के 10, और 1 हासिल है, तो 1 और 1 2। तो दोस्तों इनकी गुणा ये आई है, आप साधारण गुणा करके देख सकते हैं यही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो 20 274 ये गुणा आई दोस्तों, और 1 2 3 4 पे पॉइंट है, 1 2 3 4, यानी कि इस 0 के पहले पॉइंट पे यहाँ 0 आ जाएगी, ये हमारा x का मान हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये तरीका हमारा अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। और दोस्तों आप चाहें तो वीडियो को एक बार रोक करके खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ये इसके यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं, और जैसे कि आपको पता है कि हमें यहाँ क्या करना है, x का मान बताना है। यहाँ पे लिखा है कि यदि ये सारी चीज़ें बराबर 40 के हों तो x का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि आप समझ ही रहे हैं कि ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, और इसको हमें सोल्व करते हुए चलना है 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम सोल्व करते हैं समझते हैं। तो यहाँ दोस्तों x है, यहाँ पे का है, हमने इसे गुणा में बदला, ये 40, और दोस्तों प्रतिशत का चिन्ह बड़े आराम से आपको दिख रहा है, तो हमने यहाँ उसके यहाँ पे बटे में 100 लिखा। अब आगे क्या है, का लगा है तो गुणा लिखिए, 40 है और प्रतिशत है दोस्तों बटे में 100 लिखिए, और बराबर कितना है 40। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे हमें इसका मान बताना है, तो ये जितनी संख्याएं हैं ये उधर जाएंगी बराबर से दूसरी तरफ, जो बटे में लिखी हुई है ये सारी गुणा में लिख देंगे, और जो गुणा में है वो बटे में चली जाएंगी। तो इस तरीके से x का जो मान होगा दोस्तों 40, ये वाला 40 है यहाँ पे, और ये दोनों 100 पर गुणा में लिख दीजिए इस तरीके से, 100 × 100, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से दोनों 40 बटे में भेजिए, तो 40 × 40। तो दोस्तों हमने ये 40 काट दिया, 10 काट दी, और 4 25 × 100 हुए। अब देखिए 25 और 10 बचा हुआ है, तो 25 × 2 250, तो दोस्तों x का मान कितना आ गया, 250 आया, तो सी सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, बड़ा आसान सा सवाल है, देखिए कितनी सहजता से हम इसे कर लेंगे। और जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों, हमने यहाँ x लिखा, अब देखिए बस इसको हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 25, और प्रतिशत को हम क्या लिख लेंगे, बटे में 100, और दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, 25 और बटे में क्या है ये 100। तो दोस्तों एक तो हमारे दिमाग में क्या आ सकता है कि 25 × 100 कर ले, तो दोस्तों उसके बजाय ये बड़ा आसान है कि हम 25 × 25 तो जानते ही हैं, 25 × 25 यानी कि 25 का वर्ग जो कितना होता है दोस्तों 625,
और बटे में देखें दोस्तों, एक दो तीन चार जीरो है। तो अगर इस पे मैं पॉइंट लगाना चाहूँ तो एक दो तीन और दोस्तों एक जीरो लगा करके चार अंकों के पहले लगाना पड़ेगा। इस तरीके से किसका मान हुआ, एक्स का। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आया, 0.0625, जो कि कहाँ है, ऑप्शन सी में मौजूद है। तो इस तरीके से सी इसका आंसर हुआ 31वें क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बिल्कुल पहले जैसा ही, और उसी तरीके से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों 80 है यहाँ पे, का है तो गुणा लिख लीजिए, और 5 और प्रतिशत के लिए क्या कर लीजिए, बटे में 100 लिख लीजिए। अब देखिए का है फिर से, और 5 प्रतिशत फिर से लिखा हुआ है, तो बिल्कुल वैसा ही किया हमने, का को गुणा में और 5 का जो प्रतिशत है दोस्तों उसे दोनों ही तरफ हमने बटे में 100 लिखा। अब देखिए दोस्तों इसको हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, और बड़ी सहजता से सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 5 × 2 = 10 कर लिया, ठीक है दोस्तों। देखिए 2 से इसको काट लीजिए, और चलिए 5 से इसको काट दिया, 5 × 2 = 10। अब देखिए दोस्तों दोनों को किससे काट सकते हैं, 4 से सीधे सीधे मैं काट सकता हूँ, या फिर दोस्तों मैं 2 से काटता हूँ, केवल 2 × 2 = 20 होंगे, और 2 × 2 = 4। ऐसा इसलिए किया दोस्तों, अब बचा केवल 2/10, और 2/10 को हम क्या लिख देंगे, 0.2 लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, समझ पा रहे हैं इतनी बात। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे 0.025 लिखा है, और यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन किस में है दोस्तों, प्रतिशत में है, इसका मतलब हमें इसे जो है प्रतिशत में बदलना है। तो दोस्तों या तो आप बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ गए हैं, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि जो प्रतिशत है उसमें दो पॉइंट छिपे होते हैं। तो अगर इस पॉइंट को हम यहाँ से लेकर यहाँ जाएँ तो प्रतिशत लग जाएगा, 2.5% आंसर हो जाएगा सी। लेकिन अगर थोड़ा सा हमें सहजता है इसमें, और अभी इतनी सहजता से हम नहीं कर सकते, तो दोस्तों सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, पॉइंट हटाना होगा। 3 अंकों के पहले पॉइंट लगे हुए हैं, इसलिए नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1000 आ जाएगा, अर्थात 3 0। और दोस्तों किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने समझा है शुरुआत से ही कि हम उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। अब बताइए दोस्तों क्या करेंगे, 2 0 कैंसिल कर देंगे। अब बचा कितना है, 25/10 बचा है, जिसके लिए दोस्तों हम 10 में पॉइंट लगा देंगे केवल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.5%, ठीक है दोस्तों। तो 10 की वजह से 2.5% बन गया है, तो इस सवाल का सी आंसर हुआ दोस्तों। तो बहुत ही आसान सा सवाल था दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34वां सवाल क्या है हमारा। तो यहाँ पे लिखा है 6144 का, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है दोस्तों, जिसके स्थान पर हम एक्स लिखते हैं हर बार, हमेशा की तरह ही हमने इस बार भी एक्स ही लिखा यहाँ पे, और इस तरीके से बराबर में दी हुई है संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक्स का मान बताना है, आपको पता ही है। तो देखिए किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो 6144 और दोस्तों का क्या करा, गुणा, और ये एक्स, और बटे में क्या लिख लिया हमने, 100। और इस तरीके से दोस्तों इधर देखिए कितना बचा है, ये 2.5 है, और यहाँ पे दोस्तों 245.76 यहाँ पे मौजूद है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें अच्छे से पता है कि ये चीज़ जो है बटे में जाएगी, और ये जो 100 है वो गुणा में जाएगा। दोस्तों आप एक काम करिए, ये पॉइंट भी हटा लीजिए, 25 का भी हटा लीजिए, और यहाँ से भी हटा लीजिए, यहाँ पे 100 होगा। अब देखिए एक काम करिए, ये गुणा में जाएगा, 100 तो कट ही जाएगा, थोड़ा लिखने में सहूलियत रहेगी, एक आध संख्या कम लिखनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, 25 है, और यहाँ पे कितना है, 24576 है, ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हैं। तो 25 और ये हमने लिख दिया है, और यहाँ पे क्योंकि हमने 100 यहीं पे काट दिया था दोस्तों, तो यहाँ पे एक 10 बचा हुआ है, और इसके अलावा ये यहाँ पे बटे में आ जाएगा, 6144। और दोस्तों बड़ी सहजता से हम बता सकते हैं कि 6×24 या 4×16, तो इसका इससे कितनी बार कट जाना चाहिए, 4 बार कट जाना चाहिए, इस तरीके से हमने इसे लिखा। अब देखिए दोस्तों 5 से काट देते हैं, तो 5×5=25 और 5×9=10, समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब 2 से इसको भी काट दीजिए, 2×2=4, 5 बचा और गुणा में 2 बचा, तो 5×9=10। तो हमारे इस सवाल का आंसर कितना है, डी 10 आ गया है, ठीक है। तो बड़ा आराम से हमने इस सवाल को समझा, देखिए अगला। तो देखिए दोस्तों ये सवाल देखते हैं, हमने इसके ऑप्शन भी नहीं लिखे हैं, तो एक बार इसके ऑप्शन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन लिख चुके हैं हम, और इस तरीके से अब हम एक्स का जो मान है वो बता देंगे यहाँ से। तो देखिए दोस्तों बड़े ही सहजता और सरलता से हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 24 है, और यहाँ पर देखिए का के लिए गुणा लिखा हमने, और x और प्रतिशत के लिए बटे में 100 लिख लिया, और बराबर दोस्तों कितना है, 64 है, 64। अब इनको उधर भेजिए, तो देखिए दोस्तों 64 है यहाँ पे, ये 100 गुणा में ले लीजिए, और भाग में क्या लेंगे दोस्तों, 24 लेंगे। अब जितना सरल कर सकते हैं कर देते हैं, जैसे 4 से काट दिया, तो 4 से काट दीजिए दोस्तों कितना होगा, या 8 से काट लीजिए, 8 × 3 = 24, 8 × 8 = 64, 8 × 100 दोस्तों कितना होगा, 800, और बटे में क्या है दोस्तों, 3 है,
तो 800 बटे 3 अगर बहुत आराम से समझ में आ रहा है तो दोस्तों ये आंसर हुआ, और अगर नहीं आ रहा है तो एक बार आप इसको भाग करके देख लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो कैलकुलेशन हमें शुरुआत में लगे। देखिए दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन में करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होती शुरुआत में, क्योंकि अभी देखिए हम क्या करें, छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें समझ के और एक एक बात को समझ के चल रहे हैं, ताकि हमें धीरे धीरे हमारी कैलकुलेशन में सुधार हो और हम स्पीड पकड़ें धीरे धीरे। तो 3 दूनी कितना दोस्तों, 6। अब देखिए 8 में से 6 गए तो कितना, 2 0, 3 6 18। दोस्तों एक दिन में हम थोड़ी ना हमें कि आज ही पढ़ के आज ही कल ही पेपर देने जाना है, हम पूरी की पूरी बुक ख़त्म कर चुके होंगे जब हम फाइनली एग्ज़ाम में जा रहे होंगे पेपर देने। तो ये बात हमें बहुत ही सहजता से समझ में आनी चाहिए कि हम फाइनली क्या करते हैं दोस्तों, पूरी प्रैक्टिस करके जाते हैं, किसी एक लेसन के बाद नहीं जाते हैं, ठीक है। पूरी अच्छे से और धीरे धीरे जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमारी कैलकुलेशन में सुधार आता चला जाता है। तो शुरुआत में घबराएं हम, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो 3 छंग कितने हुए, 18, यहाँ पे 2 बचे। तो दोस्तों यहाँ कितना, 266 सही, 2/3। अब देखिए दोस्तों, जैसे आपने ये कैलकुलेशन यहाँ की एक दो बार आप इस लेसन में देखे, इतने लेसन हैं, 30-40 लेसन हैं, उन्हें पढ़ने के बाद जब हम कहीं भी ऐसी कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो एक एक कैलकुलेशन हमने इतनी बार कर ली होगी तो हमें देख के ही याद आ जाएगा कि हाँ इस सवाल का ऐसा आंसर रहना चाहिए, इसका ऐसा रहना चाहिए, तो बड़ा सहज रहता है, ठीक है। तो दिक्कत वाली बिल्कुल बात नहीं है। आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और बड़ा ही आसान सा सवाल है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोस्तों यहाँ पे x लिख लेंगे और इसी को सोल्व करेंगे और इसी का जो मान होगा वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए कितनी सहजता से हम इसे कर सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं होती, जैसे जैसे हमें पता होता है वैसे वैसे करना चाहिए, केवल इतना ही काम करना होता है। तो 7.2 है दोस्तों, प्रतिशत के लिए क्या लिख लेंगे, बटे में 100 लिखा। अब देखिए पॉइंट है तो एक काम करिए, इससे भी हटा लीजिए और यहाँ पे 10 आ जाएगा, आपको पता है। अब ये 0 काट दी। अब देखिए दोस्तों, या तो मैं इनकी गुणा कर लूँ या फिर पहले मैं थोड़ा सा क्या कर लूँ, है ना, इसे थोड़ा बहुत सोल्व कर लूँ, ठीक है दोस्तों। सोल्व किस तरीके से है, तो मैं काट लूँ या गुणा कर लूँ, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं इतनी बात। अब देखिए, जैसे अगर मैं गुणा ही करूँ तो 8 2 16, 8 8 7 56, और दोस्तों 1 57 हुए बटे कितना, 100। अब देखिए ये तो थोड़ा बहुत काट लीजिए, 576 का पता ही है कितना आ जाएगा वर्गमूल, रूट हटाना है ना दोस्तों, तो 576 का 24 आ गया, 100 का कितना आ गया, 10 आ गया। अब लगा लीजिए पॉइंट, 10 है तो 10 के लिए एक अंक पे पॉइंट लगा लीजिए डिजिट के पहले, यहाँ पे हमने 4 के पहले लगा दिया तो 2.4 आंसर हो गया दोस्तों। थोड़ा बहुत चाहते तो दोस्तों ऐसे ना करके से यहाँ काट लेते हम, कि जैसे हम इसे 4 से काट दें, तो दोस्तों 4 से काट दें, जैसे मैंने काट दिया 4 2 8 2500, उस सिचुएशन में क्या होता दोस्तों, 72 2 144 हो जाता, और बटे में कितना, 25, और लगता कि शायद हमने कुछ अलग करा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन है, जैसे चाहें वैसे करें। 144 का कितना दोस्तों, 12, और 25 का कितना, 5। अब अगर भाग कर दे 5 से तो देखिए 5 2 10 और 2 5 4 20, तो 2.4 इस तरीके से वही आ रहा है, ठीक है। जो सहज लगे दोस्तों वैसी कैलकुलेशन हम आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, सभी में हमने सिर्फ कैलकुलेशन की है दोस्तों, ठीक है, और ताकि इससे धीरे धीरे हमारी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाए। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, कितना आसान सा और कितना अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से अगर हमें चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हम यहीं पर इसका जवाब बता सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि प्रतिशत से 2 0 काट देंगे तो ये दोनों खत्म, अब बचेगा 8 और गुणा में 3, तो 8 3 24 और 24 से 24 गया, तो दोस्तों बचेगा कितना, 1 बचेगा, सीधी सी बात है। अब देखिए अगर हमें इसमें थोड़ी असुविधा है तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे, यहाँ पे मैक्स लिख लेंगे, इस एक्स को हम यहाँ पे भेज देंगे और इसे 24 को बटे में लिया देंगे, इससे जो भी एक्स का मान होगा वो हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने कहा कि इस प्रतिशत से हम 2 0 काट सकते हैं, 8 3 कितने हुए, 8 3 24 हो गए। अब हमने आपको कहा कि एक्स को आप ऊपर भेजिए, 24 को बटे में ले आइए, तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि x इधर अकेला हो गया है। अब इसको सोल्व करिए तो आपका जो भी होगा वही आंसर होगा, तो 24 एकम 24, तो x का मान कितना हुआ दोस्तों, 1 हुआ। तो बड़ी सरलता से आप बता दिए कि इसका आंसर कितना हुआ, c यानी कि 1 हो गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, तो देखिए इसे बिना ऑप्शन के ही कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, x लिख लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे 130 है और ये का हमने गुणा लिखा x, और दोस्तों प्रतिशत को बटे लिख लिया, और देखिए यहाँ पे इसका भी पॉइंट हम हटा देंगे, यहाँ पे एक अंक के पहले पॉइंट है, यहाँ पे हमने 10 लगा लिया। अब बताइए दोस्तों क्या करेंगे, अच्छा 1 0 तो हमने यहीं यहाँ काट दी दोस्तों। अब देखिए आपको पता ही है ये 10 ऊपर गुणा में जाएगा, इस 10 को काट देगा, तो दोस्तों बच्चा कितना है, यहाँ पे गुणा में 13 और यहाँ पे 117, तो 117 और ये 13 गुणा वाला बटे भेज दीजिए, तो 13 निम्न 117। तो इस तरीके से दोस्तों एक्स का मान कितना हो गया, 9, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आया दोस्तों 9। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है देखते हैं,
कौन सी संख्या 80 से 60 प्रतिशत क्या है कम है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें भाषा समझनी है दोस्तों, ठीक है। जिसे एकदम से समझ में आ गई होगी वो तुरंत बता सकेगा कि क्या है सवाल का आंसर। तो दोस्तों 80 अपने आप में एक संख्या है जो प्रतिशत में कितनी रही होगी, पूरे 100% रही होगी। अब इससे 60% कम कितना बैठता है दोस्तों, तो कोई चीज़ 80 जो है एक संख्या है जो प्रतिशत में दोस्तों 100 कही मैंने, ठीक है, और उससे 60% कम कितना होगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों बताइए कितना होगा, तो 100 से 60% घटा के 40% बचते हैं। इसका मतलब दोस्तों कौन सी संख्या 80 से 60% कम होगी, यानी कि 80 का कितने परसेंट केवल 40%, 60% कम, क्योंकि 80 को मैंने कहा कि 80 खुद अपने आप में क्या है दोस्तों 100% मैंने कहा है, ठीक है। तो 100 में से 60 घटा के मैं कितना कह दूंगा कि 40% है वो, तो इसका मतलब मुझे 80 का दोस्तों 40% बताना है। तो 80 × 40 और बटे दोस्तों कितना 100। अब देखिए बड़ी सहजता से हम इस सवाल का आंसर बता पा रहे हैं, तो 8 चौक कितना हुआ दोस्तों 32, दो जीरो काट दी और 32 आंसर आ गया, 8 चौक 32। इस हिसाब से सी इसका आंसर हुआ दोस्तों, ठीक। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं हमने लगभग कई प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उन्हें एग्जांपल्स में देखा है, और वैसे ही एक सवाल हमारे सामने है। तो दोस्तों वहाँ पे भी हमने बताया था और फिर से हम ये बात चर्चा कर देते हैं कि जब हमें इस प्रकार से जैसे कि ये सवाल है कि 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा, तो दोस्तों अगर हमें इस प्रकार से प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे। देखिए जैसे कि हम बड़े अच्छे से पता है कि दो नंबर है और हमें प्रतिशत निकालना है, और दोस्तों प्रतिशत निकालते हुए हमें ये तो पता ही है कि बटे में रखेंगे, और गुणों में प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना है 100% लिखना है। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन ना है कि कौन सी संख्या इस बटे के लाइन के ऊपर रखनी है और कौन सी नीचे रखनी है, उसके लिए हमने ये कहा है कि जिस संख्या के साथ में कहा है उसे आप हमेशा क्या लिखिए दोस्तों, नीचे लिखिए। यहाँ पे जो थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों वो केवल इतना सा रहता है कि कई बार हमें लगता है कि बड़ी ही संख्या जो है वो नीचे आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस संख्या पे जोर हो और उसके साथ ऐसी संख्या का इस्तेमाल कर देते हैं इसे शब्द का, जैसे का यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ से पता लग जाता है कि इसी संख्या के सापेक्ष उसका मान पूछा गया है। तो 90 का कितने परसेंट 240 है, तो 90 का दोस्तों तो इस तरीके से इसके सापेक्ष बात हो रही है। तो अब हम 240 को क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा डिटेल में ना जा करके बस हमें ये कीवर्ड याद रखना पड़ता है कि का है, तो बटे में इसको लिख लीजिए काम चल जाएगा। तब देखिए इसको सोल्व कर दे तो आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ 0 काट दूँ, अब 3 × 3 9 और 3 × 8 जो दोस्तों कितना 24। अब देखिए 8 × 100 दोस्तों 800 हो जाएगा, और बटे में कितना है 3 है, तो 800/3। अब देखिए दोस्तों जैसे कि आज की ही क्लास में मैंने आपको बताया कि 800/3, अगर ऐसी कैलकुलेशन बार बार करेंगे तो मैं खूब आराम से याद रह जाएगा कि 3 × 6 3 × 6 = 18 3 × 6 = 18 2/3। तो दोस्तों एक सवाल में मैं ये कैलकुलेशन आपको करके दिखाया हूँ, और देखिए दोस्तों आज ही की क्लास में दूसरी बार हो गया। इस तरीके से हमें चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाती हैं दोस्तों कि 266 सही 2/3% इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो डी आंसर हुआ इस सवाल का। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं 41वां क्या है। तो देखिए दोस्तों पिछले सवाल जैसा ही है, लेकिन इस बार संख्या में चतुराई सी की है दोस्तों। यहाँ पे इस संख्या के साथ में प्रतिशत लगा दिए, इस संख्या के साथ भी प्रतिशत लगा दिया है, और प्रतिशत तो पूछा ही है दोस्तों। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, जैसे कि हमें पता है वैसे ही हम करेंगे। हमें पता है दोस्तों प्रतिशत लगानी है, निकालना है, तो हम 100 से गुणा करते हैं क्या परसेंटेज निकालते हैं। अब इन दोनों संख्या में से कौन ऊपर आवेगा कौन नीचे, इसका फैसला कर देगा ये का। अब देखिए 3% / 5% का कितने परसेंट है, तो दोस्तों का संख्या इस 5 के साथ है और साथ में इसके परसेंटेज लगा हुआ है, यहाँ पे हमने ये भी लिखा, और दूसरी संख्या क्या है 3%। अब बताइए दोस्तों इस प्रतिशत से ये प्रतिशत हमने कैंसिल कर दिया, और 5 से दोस्तों इसको काट दीजिए, तो 5 × 10 या 20 × 5 = 100 कह लीजिए, तो 20 × 3 दोस्तों कितना 60। तो इस सवाल का आंसर कितना है दोस्तों 60%। तो इनमें तो है नहीं दोस्तों, तो आंसर क्या हुआ डी हो गया, ठीक है। तो बड़ा सरल सा सवाल था दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या है। 0.05 20 का कितने परसेंट है। तो दोस्तों अब तक आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई हैं, और मुझे विश्वास है इस तरीके से बताइए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 0.05 और 20 का दोस्तों यहाँ पे का है कितने परसेंट होगा, तो क्या करने वाले हम का वाली संख्या अर्थात 20/ के नीचे आ गई, और ये दूसरी संख्या 0.05 ऊपर लिख दी, और दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं 100 से गुणा करने वाले हैं, ठीक है। तो बड़ा सहज है ये, है ना, 0.05 लिखा और बटे में का वाली संख्या 20 लिख दी बटे में दोस्तों, और प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या करा 100 से गुणा कर दी है दोस्तों। अब देखिए हम क्या करेंगे 20 × 5 = 100। अब देखिए दोस्तों
इनकी बड़ी सहजता से गुणा कर दीजिए, जैसे कि करते हैं हम, पाँच और पाँच की गुणा करिए दोस्तों, तो पाँच पंजे पच्चीस। अब यहाँ पे गुणा में दो पे पॉइंट लगा हुआ था दोस्तों, तो दो अंकों के पहले यहाँ पॉइंट लगा दीजिए और प्रतिशत जो का, तो इस तरीके से दोस्तों इस सवाल का आंसर कितना है, 0.25%। तो उत्तर कितना हो गया, सी। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया है दोस्तों तो आप इसे इस तरीके से कर लेंगे कि यहाँ के पॉइंट हटा लेंगे, ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 100। अब देखिए 5 × 5 = 25 हुआ, और बटे में क्या है दोस्तों, 100, ठीक है। इसके बाद पॉइंट लगा दें, 0.25 अब कर दें, कोई समस्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे सहज लगे दोस्तों वैसी कैलकुलेशन हमें कर देनी चाहिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर हम सवाल में रुकेंगे नहीं और बिना कन्फ्यूजन के सवाल को करते जाएंगे तो दोस्तों बिल्कुल टाइम नहीं लगता है सवाल में, ठीक। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है वो से देखते हैं। किसी संख्या का 31% यदि 46.5 हो तो संख्या क्या है। तो दोस्तों इस सवाल को देख के हमें ये समझना है कि हमें इस सवाल की शुरुआत कैसे करनी है, और इस सवाल से हमें एक एक नियम के बारे में पता लगेगा दोस्तों, कि हम ऐसे बहुत से सवाल होंगे दोस्तों, ऐसे बहुत से सवाल होंगे जिसमें कि कुछ प्रतिशत की वैल्यू उस सवाल में कितने मान के बराबर है, कितनी संख्या के बराबर है, कितने रुपयों के बराबर है, यानी कि कोई प्रतिशत आंकड़ा किसी फिगर के बराबर होगा दोस्तों। फिगर से मतलब किसी नंबर से है मेरा, ठीक है दोस्तों, किसी नंबर के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं कि ये किसी संख्या का 31%, जैसे कि इसने कहा यदि कितना हो, 46.5 हो, इसका मतलब दोस्तों वह संख्या कुछ भी हो, अपने आप में परसेंटेज में बात करूँ तो दोस्तों वो 100% रही होगी, लेकिन उसका 31% जो है दोस्तों उसका जो मान है वह है 46.5 के बराबर। तो दोस्तों हमें यहाँ से सवाल पढ़ के अगर ऐसी चीज़ें अरेंज करनी आ जाएगी कि कितने प्रतिशत कितने नंबर के बराबर है, तो उसके बाद हमारा सवाल बड़ा सहज और बड़ा आसान हो जाता है दोस्तों। देखिए जैसे कि इस सवाल में कहा, बड़े सहजता से और साफ साफ लिखा है कि 31% यदि 46.5 हो, तो दोस्तों 31% को हमने इसके बराबर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम 1% का मान निकालते हैं जिसे हम एक एक नियम कहते हैं, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो भी नंबर है वो बटे में लिख देंगे हम इस तरीके से, और हम ये कहेंगे कि एक का मान आ गया है। अब हमें किसी भी चीज का मान बताना है, जैसे उन्होंने कहा कि तो संख्या क्या होगी, तो संख्या दोस्तों अगर हमने परसेंटेज की बात की है तो कोई भी संख्या, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। तो अगर हमें पूरी संख्या चाहिए तो दोस्तों 100% का मान चाहिए, तो दोस्तों हम यहां क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बड़ा बेसिक है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कितने परसेंट कितनी संख्या के बराबर होगा इस सवाल में, या ऐसे किसी भी सवाल में। तो ठीक है दोस्तों, अगर हमें यह पहचान सीख लेंगे तो बड़ा सरल होगा आगे एक सवाल को कैलकुलेट करना। तो 31% बराबर इसमें रखा हमने 46.5 के, 31 को बटे में भेज दिया दोस्तों, बटे में भेज दिया तो एक का मान हो गया, और हमें चाहिए थी संख्या, और वो संख्या 100% होगी, इसलिए हमने 100 से गुणा कर दी। अब बताओ दोस्तों पॉइंट हटा दूं तो 10 आ जाएगा, और ये 0 1 कैंसिल कर दी, 31 से दोस्तों ये देखिए 31 से कम 31, और यहां डिजिट दिख ही रही है 5 के हिसाब से दोस्तों, तो 15 पर कट जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर दिक्कत है तो आप इसे साइड में एक बार काट के देख सकते हैं। तो 15 × 10 दोस्तों कितना हुआ, 150 हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों बड़ी सरलता से हम इस सबका आंसर बता दिए हैं कि इसका आंसर हुआ ए, 150। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी चीज़ें बस ध्यान देने हैं कि कितने प्रतिशत कितने मान के बराबर होगा, एक एक नियम लगाने के लिए ये चीज़ बटे में, और जो भी चाहिए वो गुणा में। तो ये सिंपल सा फंडा है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगले सवाल में क्या है। तो इसमें 18 ग्राम, दोस्तों 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा ये बताना है। दोस्तों सवाल तो पहले जैसा ही है, फर्क क्या है, यूनिट को लेकर है। ये 18 तो ग्राम में है, जबकि 7.2 जो है दोस्तों किस में है, किलोग्राम में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अच्छा, का इसके साथ है, ये बटे में आएगा, इसका जो संख्या होगा दोस्तों, मतलब मैं फिलहाल ये नहीं कह रहा कि 7.2 आएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि यहाँ ग्राम है और यहाँ क्या है, किलोग्राम है। तो पहले हमें इनकी यूनिट बदलनी होगी, और हम इसे बदल देंगे, तो जो भी इसे बदल के आएगा दोस्तों, क्योंकि वो 7.2 का ही बदला हुआ रूप होगा, तो वही संख्या, क्योंकि इसी के साथ में का है, तो वही बटे में आएगी। और कितने प्रतिशत है उसके लिए हम 100 से गुणा कर ही देते हैं दोस्तों। तो देखिए इसी को बदलना है दोस्तों, तो अगर हम बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ रहे हैं दोस्तों, ये 7200 ग्राम आएगा, बड़े आराम से बता सकते हैं। लेकिन फिर भी देखें दोस्तों, एक एक स्टेप को हम कर देते हैं कि ये पॉइंट हटेगा तो दोस्तों 10 आया। तो पहले तो 7.2 को हमने 72/10 लिखा, और क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं दोस्तों, तो इस तरीके से हमने 1000 से गुणा की, 10 कैंसिल की, और 72 × 100, और इस तरीके से हमने कहा दोस्तों कि इसका मान जो है वो 7200 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 7200 ग्राम का कितने परसेंट, ये 18 ग्राम होगा, तो अब 18 ग्राम हुए ये भी, और ये भी ग्राम हुए, तो दोस्तों बताइए 18 ऊपर लिखा, और क्योंकि यहाँ पर कहा है तो 7200 बटे में आ गया,
और यहाँ पे हमने बटे में लिख लिया, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दी, दो जीरो कैंसिल करी। अब बताओ दोस्तों, 18 एकम 18, 18 चौक 72, तो 1/4 और प्रतिशत। अब 1/4 को बड़े आराम से आपको याद रहेगा दोस्तों कि 0.25 होता है ये, ठीक है, तो 0.25% दोस्तों। इस तरीके से 20 का आंसर हमने कह दिया। समझ पा रहे हैं इतनी बात कि 1/4 को हमने 0.25% लिखा, केवल इतनी सी बात है सवाल में। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 होगा। दोस्तों इस बार इन्होंने केवल फ्रैक्शन की जो संख्या है, यानी कि भिन्न की जो संख्या है, उनका इस्तेमाल कर लिया है, तो इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि कहाँ यहाँ पे है, तो ये वाली संख्या जो है बटे में आएगी। तो जो हम बटे की लाइन खींचते हैं, बस उसके दोनों तरफ किस तरीके से संख्या लिखेंगे वो ध्यान से समझना है कि दोस्तों 1/35 और 2/7 में ये संख्या का वाली है, यानी कि 2/7 तो आएगा इसके बटे में, और वो 1/35 जो है दोस्तों वो लिखेंगे हम इसके ऊपर इस तरीके से। और प्रतिशत निकालने के लिए, जैसे कि हमें अच्छे से पता है, हम 100 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। इस तरीके से हमने गुणा कर दी है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है, अब क्या होता है, बीच बीच वाली संख्या होगी गुणा 35 की और 2 की होगी और 7 की और 1 की होगी। तो दोस्तों 7 एकम तो 7, और आपको अच्छे से पता है कि 35 दूनी 70 हुए, और गुणा में दोस्तों कितना है, 100 है। और इस तरीके से देखिए दोस्तों, 0 कैंसिल करी और 7 को कैंसिल कर दीजिए, बचा कितना दोस्तों, 10%। तो बड़ी सरलता से हमने कह दिया कि सवाल का आंसर क्या हुआ दोस्तों, बी, यानी कि 10% आंसर हुआ इसका। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 0.02 और 2 का अगर हम पॉइंट हटाएं, दो डिजिट के पहले है दोस्तों, तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ क्या आएगा, 100 आएगा, 2 जीरो लगा भी, और दोस्तों यहाँ एक्स है और प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, तो बटे में 100। अब दोस्तों ये 100 पर आएगा गुणे में और 100 को काट देगा, तो बताओ x का मान क्या बच गया दोस्तों, 2। तो देखिए बड़ा सरल सवाल था दोस्तों, इसका आंसर कितना हो गया, 2। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है। तो दोस्तों इसमें सावधानी क्या रखनी है, इस बात पर हमें ध्यान रखना है कि सावधानी क्या होगी इसमें मुख्यतः। तो दोस्तों यहाँ एक्स का एक्स प्रतिशत प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, और का और 10%। तो देखिए दोस्तों, अगर इसे बिल्कुल आराम से हमें सवाल को करना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम हटा के एक्स नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ एक्स लिख दूँ तो एक्स तो एक्स ही काट देंगे, हमें यूँ ही नहीं पता लगने का हमें मान किसका बताना। हम एक्स इसलिए लिखते हैं दोस्तों ताकि हमें ऐसी संख्या आराम से यहाँ दिख जाए सवाल में कि हम मान किसका निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो इस सवाल में पहले से एक्स मौजूद है, अगर हमने उसे यहाँ पे लिख दिया और काट दिया तो दोस्तों जिसका मान निकालना है वही कट गया, फिर बचेगा क्या और किसका मान हम निकाल देंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ ए लिखा है और जो सर्किल भी कर लिया है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और दोस्तों एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर होगा, बटे में आ जाएगा 10, तो एक्स स्क्वायर बटे 10 यानी कि बी आंसर होगा। और दोस्तों अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं इस बार को कि एक्स और का मतलब गुणा, और ये दूसरा एक्स और प्रतिशत का बटे में दोस्तों कितना, 100। और इधर हम ए का मान चाह रहे हैं, हमने अपनी तरफ से ए लिखा है इस बार, तो इस दोस्तों ए का मान चाहिए, तो 10 और प्रतिशत में बटे दोस्तों 100। अब देखिए आपको पता ही है ये गुणा में आके कट जाएगा, तो 100 काट दिया हमने, तो या तो हम यही प्रतिशत से प्रतिशत काट ले तब भी ये कट ही जाता दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, एक्स स्क्वायर और गुणा वाला 10 बटे में लिख दीजिए, तो जैसे कि दोस्तों बताया गया वैसे ही इसका मान आ गया है, अर्थात मान कितना है, एक्स स्क्वायर बटे 10, तो बी इसका आंसर हुआ दोस्तों। तो देखिए कितना सरल सवाल है ये। तो देखिए दोस्तों, पहले जैसे ही कुछ कुछ सवाल है, और इसमें भी ध्यान रखना है कि हम इसे एक्स नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी, एक्स और क्या नहीं लिखेंगे दूसरा दोस्तों, वाई, जो सवाल में दोस्तों वो नहीं लिखना और कुछ ही लिख लें। तो पहले सवाल की तरह हम इसे ए लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल में ए लिख लिया था, और ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका मान बताना है। अगर हम चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं तो दोस्तों प्रतिशत से हम यही प्रतिशत काट सकते हैं, और इसके अलावा वाई से वाई काट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर नहीं आ रहा तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं कि वाई का मतलब गुणा और गुणा में एक्स, प्रतिशत दोस्तों तो मैंने काट ही दिया है, अब वाई को बटे में भेज लीजिए, यहाँ पे क्या बचा हुआ, ए बचा हुआ है। अब बताओ दोस्तों, वाई से वाई कैंसिल हुआ तो क्या बचा, ए का मान बचा यहाँ पे एक्स। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आंसर क्या आया, एक्स आया है, ठीक है दोस्तों। तो बड़ी ही सरलता से हमने इसका मान निकाल लिया। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम, क्या है हमारा अगला सवाल। देखिए यहाँ पे लिखा है एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है दोस्तों, तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर किसी भी इस प्रकार के सवाल में हम ये पता कर पाएं कि कितने परसेंट कितने मान के बराबर है, कितनी संख्या के बराबर है, तो दोस्तों बड़ा सहज हो जाता है सवाल का पता करना। तो दोस्तों देखिए, जैसे इसने कहा कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, अधिक का मतलब तो हम जानते ही हैं दोस्तों, ज़्यादा कह रहा है, किससे कह रहा है, संख्या से। तो दोस्तों संख्या
कितनी होगी बताइए, प्रतिशत में हमने कहा है कि संख्या अगर माननी है तो कितने परसेंट मान लेंगे, कि संख्या अपने आप में 100% है और संख्या अपने 20%, अब संख्या का खुद का 20% दोस्तों 20% ही होगा। अब देखिए संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, ये इससे कितनी ज़्यादा है दोस्तों, तो अगर प्रतिशत में गौर करें दोस्तों तो ये 80% है, जबकि संख्या के रूप में सवाल में बताया गया है तो 40 है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं बात को, कि कोई संख्या जो है वो 100% है, जो कि अपने 20% से दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ी सहजता से हम कह सकते हैं कि परसेंटेज में 80% ज़्यादा है और यहाँ पे बताया गया 40%। अब देखिए दोस्तों क्या पूछा है कि संख्या क्या होगी, तो कितना सहज हमें पता लग गया कि 80% 40 के बराबर होगा, तो 100% दोस्तों 50 के बराबर होगा। कैलकुलेशन कैसे दिखा सकते हैं कि हम एक का मान निकालते हैं, 80 को बटे भेज देंगे दोस्तों, तो 40 बटे कितना दोस्तों 80। अब हम क्या करेंगे, संख्या निकालनी है तो हमने 100 से गुणा कर दी। अब देखिए जीरो काट दी दोस्तों, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब बताइए दोस्तों 2 से काटने के बाद 100 को कितना आया, तो दोस्तों कितना आया 50। तो ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया दोस्तों, सी 50। ठीक, तो देखिए दोस्तों 50वां सवाल है हमारे सामने, और दोस्तों जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे सवाल में कि कितने परसेंट कितनी संख्या के बराबर होंगे, हमारा मेन काम सवाल से के पढ़ के ये पता करना है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम चीज़ें करते जा रहे हैं तो सवाल में समय ज़्यादा नहीं लगता है, इतना आपको देखे दोस्तों वीडियो में पता लग रहा है कि वीडियो की टोटल टाइमिंग क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने किए हैं हमने। तो दोस्तों अगर हम सवाल में रुकते नहीं हैं, चाहे हम कितने भी डिटेल में कैलकुलेशन कर लें, हम बहुत ही आराम से और सहजता से दोस्तों एक एक सवाल को पढ़ रहे हैं, फिर भी इतना टाइम नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें समझना है। ठीक, तो अब देखिए इस सवाल पे आते हैं और समझते हैं और पता करते हैं कि कितने परसेंट कितने मान के बराबर होगा। तो दोस्तों एक संख्या में उस संख्या के 37 से 1/2% की वृद्धि करने पे दोस्तों 33 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 33 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है ये हमें बताना है। तो दोस्तों देखिए एक संख्या है, उस संख्या के यानी कि खुद उसी संख्या के 37 से 1/2% की अगर वृद्धि कर दे, यानी कि दोस्तों उसमें जोड़ दें, वृद्धि मतलब दोस्तों जोड़ दें, तो कितना प्राप्त होता है 33। इसका सामान्य मतलब क्या है दोस्तों, कि संख्या कितने परसेंट होगी बताइए। देखिए जैसे कि हमने पिछले सवाल में भी कहा कि संख्या अपने आप में कितने परसेंट है दोस्तों, 100%। अब अगर हम उसमें वृद्धि कितने की कर दें, 37 से 1/2% की, तो दोस्तों संख्या खुद 100% है, उसमें इतनी वृद्धि कर दी तो कितना प्राप्त हुआ 33। तो दोस्तों ये सारे ही प्रतिशत का जो मान है वह 33 के बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो 100 तो ये हुआ, 37 × 74 और एक कितना दोस्तों 75/2। ठीक है दोस्तों, इतने प्रतिशत और बराबर किसके 33 के। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है दोस्तों, कैसे करेंगे, 2 × 100 में करेंगे 200 और ये 75, तो दोस्तों कितना 275 और बटे में कितना दोस्तों 2% बराबर किसके 33 के। अब बताइए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें संख्या पता करनी है, क्या पता करनी है दोस्तों, संख्या यानी कि 100 का मान दोस्तों यहाँ पे हमें 1 बनाना होता है, उसके लिए क्या तरीका, जो भी यहाँ गुणा में हो से बटे में भेजते हैं दोस्तों, इसमें गुणा के अलावा भाग में भी है, तो ये तो बटे में जाएगा और ये गुणा में आएगा, तो इस तरीके से दोस्तों 1% का मान हमारा 33 और गुणा में क्या गया दोस्तों 2 और बटे में कितना 275। इस तरीके से दोस्तों, और हमें संख्या बतानी है दोस्तों, और संख्या कितनी थी 100%, तो इसलिए हम गुणा किससे कर देंगे दोस्तों 100 से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कर देते हैं, तो सबसे पहले मैं 11 से काट देते हैं, तो 11 × 22 और दोस्तों यहाँ पे कितने बचेंगे 5, तो 11 × 5 = 55। अब देखिए 11 × 3 = 33। अब देखिए दोस्तों 25 से काटिए, 25 × 100 तो कितना हुआ दोस्तों 4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे इस सवाल का आंसर बड़ी सहजता से हमने पता किया, कितना आया दोस्तों 24 आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्या पता करना होता है कि कितने परसेंट कितनी संख्या के बराबर है, केवल इतना। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आज हम इतना ही रखेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।